हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़ोरदार जो है ट्रिक बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं और कम से कम समय में कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहयोगी होने वाला है। जैसे आपके सामने ये चीज़ दिख रहा है, आपको देखकर भी हैरानी होगी कि इस चीज़ को कैसे हम जल्द से जल्द स्क्वायर कर सकते हैं। आपको जैसा कि पता होगा, स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा। तो अगर 34 का स्क्वायर पूछा जाए तो इसका मतलब हुआ कि 34 गुणे 34 कितना होगा। 85 का स्क्वायर पूछा जाए तो इसका मतलब हुआ कि 85 गुणे 85 कितना हुआ। इसी तरह 9999 का स्क्वायर पूछा जाए तो इसका अर्थ होगा कि 9999 गुणे 9999। यहाँ देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ भी 11,000, 111 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, 107 का स्क्वायर पूछा जा रहा है। इसको मात्र 10 सेकेंड में आपको हल करना अगर हो तो बड़ा मुश्किल होगा, शायद मुश्किल हो, लेकिन आज के बाद आपके लिए मुश्किल एकदम नहीं रहेगा। बस लास्ट तक बने रहिए, बस 5 मिनट के अंदर ये सारे आपको ट्रिक बताए जाएंगे और 10-10 सेकंड में सारे स्क्वायर आप कर लेंगे। जैसे अगर ये 34 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है 34 का, तो एक ट्रिक होता है जो दो अंकों की संख्याओं का बर कर सकता है, यानी 10 से लेकर 99 तक इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ये जो है इकाई का वर्ग कीजिए 4×16, कैरी कितना हो गया 1, मन में रखे रहेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4×3 = 12, डबल कर दीजिए 24, 24×1 = 25, आज से 2 हो गया। और इस दहाई का वर्ग कीजिए, धीरे लिखे 9×2 = 11, देखिए ये 34 का वर्ग हो गया 1156। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पर, देखिए अब किसी भी दो अंक का वर्ग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए 4×16 हासिल 1, 4×3 = 12, 2×2 = 24, 1×25 हासिल 2, तिथि लिखे 9×2 = 11। 10 सेकेंड के अंदर आप वर्ग कर सकते हैं। लेकिन दो अंक में अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 दिख जाए तो इसको वर्ग करने का और ही शानदार ट्रिक है। जैसे 5 को छोड़ दिया जाए तो हमको क्या दिख रहा है, 8, 8 में 1 बढ़ाकर गुणा कर दीजिए, 8×9 = 72, और 25 यहाँ सटा कर लिख दीजिए, ये हो गया 85 का वर्ग। एक बार और देखते हैं, जैसे इस 5 को छोड़ने के बाद क्या दिख रहा है, 8, जो चीज़ दिखेगा उससे एक अधिक में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 है तो 8×9 = 72, 25 चिपका देंगे, इस तरह से वर्ग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई 65 का वर्ग पूछ दिया तो 6 में गुणा कीजिए 7 से, 6×7 = 42, 25 चिपकाइए, 42×25। तो है ना मजेदार ट्रिक, आपको आपके करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक 5 हो तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये ट्रिक जो है वो 101 से 120 तक की संख्याओं को वर्ग करने में बहुत ही कामयाब है। जैसे जब 107 का वर्ग आपको करना है तो अंतिम दो अंकों का वर्ग आप कर दीजिए, लेकिन दो ही स्थान तक लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 105 आ जाए तो केवल 0.5 लिखेंगे, एक हासिल हो जाएगा, तो दो स्थान लिखना है, 7×7 = 49, दो ही अंक आया, हासिल नहीं बचा। अब ये देखिए कि 100 से कितना अधिक है, 7, 107 में ही जोड़ देना है, 100 से कितना अधिक है, 7, 7 को 107 में जोड़िए, 114, ये हो गया 107 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिक और मज़ेदार है आपका। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई पूछ दिया आपको कि नहीं भाई चलिए हमको 112 का स्क्वायर बता के दिखाओ, तो 12×12 हम 144 हासिल 1, ये 100 से कितना अधिक है, 12 इसी में मिलाइए, 112×12 = 124, 1 हासिल 125, ये रहा 112 का वर्ग जबानी। अब देखिए यहाँ पर 999 में लिखा हुआ नहीं, ये ट्रिक जो बना हुआ है किसी भी 99 वाली संख्या का वर्ग करने में एकदम माहिर है। जैसे आप क्या कीजिए, 9 का स्क्वायर सबको पता होगा 81, तो 81 को थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे दूर दूर, और देखिए गिनिए 1, 2, 3, 4, कितने 9 है, 4, तो एक कम जीरो इसके अंदर डाल दीजिए, 30, जितने 9 रहेंगे उसे एक कम जीरो डालिएगा, और जितना जीरो इसमें डालिएगा उतना ही 9 आउटसाइड में यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपका हो गया 9999 का वर्ग। जैसे
कोई 999 का स्क्वायर आपसे पूछा तो 81 लिखिए, 999 है तो 2029। इस तरह से आप सेकेंडों में वर्क कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों के पास और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी दूर दराज के लोग भी इसे पढ़ सके, देख सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रिक बना है कि अगर 1-1 कितना भी आप लिख देंगे तो 10 सेकंड के अंदर वर्क करके मैं बताऊंगा कि उसका वर्क कितना होगा। आज के बाद आप लोग भी बताएंगे इसमें 1 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। आप यहाँ 5 लिख दीजिए और एसेंडिंग डिसेंडिंग 1 तक गिनती लिखिए, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा आपका 11,111 का स्क्वायर। अब करके सेल्फ देखिए, 111 का स्क्वायर करना है तो 3, क्योंकि 3 एक है, 3, 2, 1, 3, 2, 1। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जे NDR चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के मज़ेदार ट्रिक जानने के लिए, मैथ की जानकारी के लिए आप जो है बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इसको पढ़ सके, सीख सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।